हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट थोड़ा सा सर्दी जुकाम लगा हुआ है क्योंकि अभी ठंड का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और ठंड के मौसम में तो ये जब स्टार्ट होता है तो अचानक गर्मी, किसी टाइम अचानक ठंड, जिस वजह से थोड़ा सा तो प्रॉब्लम सभी को होता है और मुझे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, जिस वजह से अभी मुझे सर्दी लगा हुआ है। तो और इसके पहले वाले वीडियो, नहीं, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में, वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो गांव में मैंने बनाया है। गांव मतलब ये कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को, लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब चीज़ मैंने दिखाया है। अगर आप लोग वो वीडियो देखिएगा तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में शहर में कहीं पे भी उस तरह का माहौल दिखने को नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैं दिखाई हूँ। और वो मैं गई थी मेरे देवर का लड़का का जो बर्थडे में, तो बर्थडे का ब्लॉग आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत देखा है, बहुत पसंद किया है लोगों ने, तो मुझे बहुत खुशी हुई, जिस वजह से मैंने वहाँ का सेकंड ब्लॉग भी आप लोगों से शेयर किया है। तो आप लोग एक बार उसे ज़रूर देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। और आप लोगों को थैंक यू कि आप लोगों ने मेरा इतना सहयोग किया है अब तक, जो कि मेरा मन मतलब वीडियो बनाने के लिए हो जाता है कि नहीं। मेरे जो भी व्यूअर हैं वो इंतजार कर रहे होंगे कि मैं वीडियो कब डालूंगी, तो इसलिए मुझे टाइम थोड़ा कम मिल रहा है अभी। मेरी बेटी का एग्जाम भी स्टार्ट हो गया है तो इस वजह से, तो लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ तो आप लोगों को जरूर दिखाऊं। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैंने जो कल बनाया था पीठा, उसका रेसिपी शेयर करूंगी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ठंड के मौसम में इसे जो नहीं बनाते हैं वो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये बहुत सिंपल भी है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अभी यहाँ ठंड के मौसम में गुड़, खजूर का गुड़ बोलते हैं, वो मिलना शुरू हो गया है। और उसका जो भी मतलब उससे बनने वाले रेसिपी बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो आज मैं आप लोगों से वो शेयर करने वाली हूँ। आप लोग देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोगों को लगा ये वीडियो और किन किन लोगों को पसंद आई रेसिपी, ये सब ज़रूर बताइएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उसके बाद मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी आप लोगों से। तो देखिए, आज है शनिवार और मैंने खिचड़ी बनने के लिए रख दिया है क्योंकि शनिवार। और मैंने देखिए इसमें आलू भी डाल दिया है। आलू का चोखा बनाऊंगी और बनाऊंगी बैंगन का चोखा। तो मैंने बैंगन को भी अच्छे से धो के से कट लगा के इसमें लहसुन और मिर्ची डाल के रखी हूँ। अभी मैं इसे पकाऊंगी, इसमें थोड़ा सा तेल लगा दूंगी। उसके बाद तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ दूध पिठा बनाना। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखिए। तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया उबलने के लिए और यहाँ पे 1 लीटर दूध है। ये दूध जब अच्छे से उबल जाएंगे तब मैं इसे बंद कर दूंगी। दूध तो सुबह को उबाली पर उस टाइम मैं बना नहीं पाई, तो मैं अभी शाम को बना रही हूँ।
दूध मैंने उबाल के रख दिया था और अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में पानी रख दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ पे ले लिया चावल का आटा, चावल के आटे को इसमें डाल दूंगी उबलते हुए पानी में। उसके बाद इसे इस अच्छे से मिक्स कर दूंगी और उसे उसके बाद इसे ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद फिर इसे जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा, पूरी तरह से तो ठंडा नहीं करना है, बस हल्का ठंडा, इतना ठंडा होना चाहिए कि हाथ जब मैं इसे मैं लगाऊं तो हाथ सहन कर सके। और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक और घी ऐड कर रही हूँ। नमक और घी ऐड करके मैं इसे अच्छे से फिर से आटा लगा लूँगी, जिस तरह से आटा लगाते थोड़े थोड़े पानी डाल के, तो उस तरह से मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी अच्छे से। रोटी के आटे के जैसा ही बन जाता है ये। तो देखिए यहाँ पे मेरा आटा लग चुका है और आटा इस तरह से, मतलब गर्म पानी में जब अच्छे से इसे मिलाते हैं तो पूरा सॉफ्ट हो जाता है आटा। और नमक और घी डालने से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ मैंने खोआ पहले से ही बना के रखा था, तो बस इस तरह से लोई बनाना है, एक बाटी का आकार देना है और उसमें इसको फिल कर देना है। तो मैं दो तीन तरीके से यहाँ पे बना रही हूँ कि बस इसे फिल किया और इसके मुंह को अच्छे से बंद कर देना है इस तरह से, और ताकि ये दूध में खुले नहीं। और फिर और अलग तरीके से मैं इसे गोल शेप भी दूंगी। तो दो तीन तरह के आकार से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ओवल शेप में और गोल शेप में और ये पीठा का जो डिजाइन होता है उस तरह से। तो दो तीन तरीके से मैंने यहाँ बनाया है देखिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से दूध को उबालने के लिए रखा है। पे दूध में अच्छे उबाल आ चुके हैं, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है दूध। तो मैं अब इसमें डालूंगी, एक एक करके सारे पिठा को इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद जब ये, मतलब इसका ये तरीका है देखने का कि जब मैंने इसे डाला तो ये सारे अंदर में जाके बैठ गया, और जब ये पक जाते हैं अच्छे तरीके से तो ये सारे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये तरीका आप लोग फॉलो करिएगा जब भी बनाइएगा तो। और इस तरह से मैं इसमें जितना, मतलब इस दूध में जा सकता है, मैं डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने लिया है खजूर का गुड़, जो कि अभी ठंड में बहुत ही आसानी से मिलते हैं और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है। यहाँ पे इसे पटाली गुड़ भी बोलते हैं। तो मैं इस ऐसे तो दूध मतलब जल के हल्का मिठास आ ही गया है, और पहले भी खोआ में मैंने चीनी डाला है तो इसमें बहुत ही कम मिठास की और ज़रूरत है। तो जो कि बस इसमें खजूर गुड़ का जो एक सेंट होता है, ये चले जाने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। तो गुड़ को मैं डायरेक्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि डायरेक्ट गुड़ डालने से फटने का चांस होता है। तो मैं इसे दूध में, पानी में थोड़ा मतलब बॉईल कर दूंगी ताकि गुड़ अच्छा से पक जाए और गुड़ पूरा जो मेल्ट भी हो जाए। उसके बाद मैं इसको डालूंगी पीठा में, लेकिन पीठा का गैस मैंने कम कर दिया है ताकि बहुत उबलते हुए मैं नहीं डालना है, धीरे धीरे इसे डालना है। तो इस तरह से मैं इसमें डालती जाऊंगी और चलाती जाऊंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और ये दूध फटे नहीं। तो मैंने डाल दिया और अभी इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने दूंगी फिर से। तो देखिए पीठा ये बन के रेडी हो चुका है, जिस वजह से ये सारे ऊपर में, दूध के ऊपर में देखिए पूरा तैर रहे हैं। और अब एक बॉयल आने के बाद मैं इसे बंद करूंगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इलायची, तो इलायची जिसे पसंद हो डाले, मुझे तो बहुत ही पसंद है इलायची के फ्लेवर, तो मैं डालती हूँ। और इस तरह से मैंने हल्का कूट के इसमें डाल दिया है और बस। तो देखिए कितने लाजवाब दिख रहे हैं और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये रात को गर्म गर्म तो कम मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जब ये बासी होता है तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो मैं आज आप लोगों से यहीं पे ले रही हूँ विदाई, और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी वो ज़रूर बताएं कमेंट में। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक रखिए आप अपना पूरा ख्याल और रहिए अपने लाइफ में खुश।
बाय बाय, थैंक यू।